अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हंटर का अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं, hunter.io का। hunter.io एक टूल है जो ईमेल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है कंपनी की या कंपनी के किसी पर्सन की। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हंटर का अगर आपके पास अकाउंट हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली हम उसके हंटर की वेबसाइट पर जाते हैं। मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन है। अगर आपका साइन इन नहीं है तो आपके पास ये फ्रेम नहीं ओपन होगा, आपके पास सिंपली वो साइन इन वाला ऑप्शन आएगा। तो ये साइन अकाउंट मेरे पास साइन इन है। यहाँ पे दो सिनेरियो होते हैं, एक तो कंपनी की ईमेल, उसके बाद पर्सन की, फिर वेरीफाई ईमेल भी। तीनों सिनेरियो हम देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। यहाँ पे जो मेन आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे अगर आप कंपनी की वेबसाइट डालें तो कंपनी की ईमेल आपको दे देता है। या चलिए कोई कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी ले लेते हैं। कंपनी की सबसे पहले निकालते हैं वेबसाइट हम गूगल से। कंपनी गूगल पे आके कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई, इसकी कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ पे आके पेस्ट किया, फाइंड ईमेल एड्रेस। ये हमें कंपनी की ईमेल यहाँ पे इसने दे दी है, इतनी सारी ईमेल आ गई कंपनी की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की। ये तो हो गया हमारे पास एक सिनेरियो। दूसरा क्या है, ये फाइंडर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइंडर पे। यहाँ पे आप पर्सन का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे कंपनी का जो ईमेल सॉरी वेबसाइट एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो उस पर्सन की आपको ईमेल दे देगा। सबसे पहले कंपनी की ईमेल हम यहाँ पे सॉरी वेबसाइट एंटर कर देते हैं, देन हम जो कंपनी के पर्सन का नाम है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं। और ये देखें, इसने हमें कंपनी की वो उस पर्सन की ईमेल दे दी हमें। इसको कॉपी करने का सिंपली तरीका ये है कि इसके ऊपर क्लिक करें, यह कॉपी होगी ईमेल। उसके बाद एक्सेल शीट पे या गूगल शीट पे जहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करना है, ये इसको आगे पेस्ट कर ले कंट्रोल वी के साथ आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो इसका एक फंक्शन है वो है वेरीफाई का। ईमेल वेरीफाई करके देता है आपको, कोई भी ईमेल हो कि वो बोगस है, जेनुइन है, वैलिड ईमेल है कि नहीं है, उसके लिए वेरीफाई के टैब में आते हैं। ये वेरीफाई का टैब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पर जो ईमेल हमने अभी अभी फाइंड की है इसको यहाँ पर पुट करते हैं। ईमेल हमने पुट कर दी, ये सिर्फ बिजनेस ईमेल को वेरीफाई करेगा, जो लोकल ईमेल हैं जीमेल होगी, यहो होगी, हॉटमेल होगी, उनको वेरीफाई नहीं करेगा ये। इसको ईमेल हमने यहाँ पे एंटर कर दी, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अभी हमें ये बता दें कि वेरीफाई है या नहीं। ये देखें, इसने हमें जो रिज़ल्ट दिया है वो दिया वैलिड का, यानी ये जो ईमेल है ये वैलिड है, ईमेल का जो स्टेटस है वो वैलिड है। इसका ये तरीकाकार है हंटर का इस्तेमाल करने का, सबसे पहले कंपनी की ईमेल, उसके बाद पर्सन की, फिर वेरीफाई। ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं। देन हमारे पास आगे चलते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो कितनी है मंथली। आप मंथली से 25 ईमेल फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 25 सर्चिज मैंने अभी तीन सर्चिज कर ली हैं, मेरी जो 22 है वो रिमेनिंग है। ये यकम को जो लिमिट है वो रिन्यू हो जाती है। उसके बाद जो वेरीफिकेशन वाला टाइप है वहाँ से मैं 50 ईमेल की वेरीफिकेशन कर सकता हूँ। अभी मेरे 26 दिन का कोटा ही मतलब यहाँ पर रहता है। ये तरीकाकार है ईमेल फाइंड करने का। तो इस तरीके से आप हंटर को इस्तेमाल करते हो, इजीली ईमेल फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि इसकी मैंने बताया कि लिमिट है 25 ही है, तो बहुत थोड़ी होगी लिमिट इसकी। अगर आप मल्टीपल अकाउंट इसके बनाते हैं हंटर के, तो ऐसे नहीं करना कि जब एक ही लिमिट ख़त्म हो जाए तो इसको लॉग आउट किया तो दूसरा आपने लॉग इन कर लिया। उसके लिए आपने करना ये है, कंट्रोल एच पे जाना है, हिस्ट्री पे। ये जो अपनी हंटर की हिस्ट्री आ रही है इसको या पूरे ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर दें। अगर पूरे ब्राउज़र को नहीं करना चाहते हैं, आपके कोई अकाउंट लॉग इन है यहाँ पे, फिर आप सिंपली इसको कर सकते हैं। हंटर वाली जो है अपने सर्चिज लास्ट टाइम की हुई है हिस्ट्री से, उसको आप डिलीट करके फिर नया अकाउंट लॉग इन करोगे। अगर आप वैसे ही लॉग आउट करके नया अकाउंट लॉग इन कर दोगे तो जो पुराना अकाउंट है वो आपका बैन हो जाएगा। मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो न्यू अकाउंट आप लॉग इन करोगे दोनों आपके अकाउंट बैन हो जाएंगे फाइवर की, सॉरी इसकी hunter.io की तरफ से, क्योंकि सेम आईपी पे आप दो अकाउंट लॉग इन कभी भी नहीं कर सकते हंटर के। जैसे फाइबर का अपवर्क का एक असूल है, इसी तरह इनकी भी थोड़ी पॉलिसी सख्त है इस वाले से। तो बाकी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कांडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो हर नई वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।